सिंधिया ने जिन्हें बताया आईएएस का साथी, उनके साथी कर रहे हैं काम। दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर साधा निशाना। सिंधिया के बयान के सहारे दिग्विजय ने उन्हें घेरा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी ने अपने सीएम उम्मीदवार तय कर दिए हैं। सीएम उम्मीदवारों का ऐलान औपचारिक तौर पर तो नहीं किया गया है, लेकिन दोनों ही पार्टियों कार्यकर्ताओं तक साफ मैसेज पहुंच गया है कि पार्टी किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है। बीजेपी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। शिवराज सिंह चौहान इस समय प्रदेश के सीएम है और बीजेपी सत्ता में लौटती है तो शिवराज ही सीएम बनेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से कमलनाथ का दावा तय माना जा रहा है, सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। कमलनाथ और शिवराज एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन इन दोनों से अलग हटकर एक लड़ाई और चल रही है और वो है किसी समय एक ही दल में साथ रहे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच। सिंधिया ने अपने राजनीतिक करियर का लंबा वक्त कांग्रेस में ही बिताया है। वो 3 साल पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे और जब से सिंधिया बीजेपी में आए हैं तभी से कांग्रेस नेता शिवराज सिंह चौहान पर कम, सिंधिया पर ज्यादा निशाना साधते रहे। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद एमपी में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन सिंधिया की बगावत के चलते कांग्रेस सरकार 15 महीने ही चल पाई थी और बाद में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बन गई और बचा हुआ कार्यकाल शिवराज सरकार ने ही पूरा किया है। अब 6 महीने का कार्यकाल बचा है। इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर कांग्रेस नेताओं के निशाने पर आ गए हैं और उन पर निशाना साधा है पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने। दिग्विजय सिंह ने सिंधिया के ही पुराने बयानों को सामने रखते हुए उन पर निशाना साधा है और पूछा है कि महाराज आप पहले क्या कहते थे और अब आपके बयान क्या है। दरअसल मध्य प्रदेश के सतना में साल 2017 में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ था। इसमें शामिल कुछ आरोपियों के बीजेपी, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से संबंध होने के आरोप लगे थे। इसके बाद सिंधिया ने कहा था बीजेपी पहले ही ISIS प्रमाणित राजनीतिक पार्टी है। ISI पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी है। दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के इसी पुराने बयान को ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कहा, आप यानी कि सिंधिया बिना प्रमाण के मुझे देश विरोधी बता रहे हैं, लेकिन जिस बीजेपी को आप पाकिस्तान के ISI कह रहे हैं अब आप उन्हें राष्ट्रभक्त कह रहे हैं, मुझ पर इतना अन्याय तो ना करें। दिग्विजय ने आगे लिखा, सिंधिया जी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप अपने प्रभाव का उपयोग कर इन सभी लोगों के खिलाफ NSA लगवाइए, इन्हें गिरफ्तार करवाइए, मुख्यमंत्री से पूछे इनको जमानत कैसे मिल गई। दरअसल साल 2017 में जम्मू कश्मीर के RSpura सेक्टर में 2 लोग गिरफ्तार किया गया था, जिनसे मिली सूचना के आधार पर मध्य प्रदेश ATS ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 19 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें जासूसी गिरोह के सरगना बलराम सिंह, ध्रुव सक्सेना, मनीष गांधी, मोहित अग्रवाल, मनोज भारती, संदीप गुप्ता, रितेश खुल्लर, खुश पंडित, जितेंद्र यादव, त्रिलोक भदौरिया और जितेंद्र ठाकुर शामिल थे। उनके कब्जे से लैपटॉप, 50 मोबाइल, 3000 सिम कार्ड और 50 सिम बॉक्स बरामद किए गए थे। ATS की पूछताछ में पता चला कि उनका नेटवर्क 4 प्रमुख शहरों और कई राज्यों तक फैला हुआ था। उनका संचालन 30 टेलीफोन एक्सचेंजों के माध्यम से किया जा रहा था। इसके बाद कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान दिया था कि बीजेपी पहली ISI प्रमाणित राजनीतिक पार्टी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दावा किया था गिरफ्तार किए गए 19 लोगों में से 4 लोग बीजेपी, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से गहरा संबंध है, लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले गए हैं और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तारीफ करते दिख रहे हैं। ऐसे में दिग्विजय सिंह ने सिंधिया को उनका पुराना बयान याद दिलाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज़।